यानी हम लिस्ट तीन प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तीन प्रकार से हमारी जो लिस्ट होती है हम उसको तैयार कर सकते हैं, कैसे? फर्स्ट है हॉट लिस्ट, हॉट को मतलब हो गया गर्म वाली लिस्ट। कैसे? एक होती है वार्म लिस्ट और एक होती है कोल्ड लिस्ट। ये तीन प्रकार से हम लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। हॉट लिस्ट में आप सभी जानते हैं, हॉट लिस्ट में वो लोग हमारे सामने साथ में होते हैं जो हमारे जानकार होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनको हॉट लिस्ट में लेते हैं। तो हम क्या करते हैं सर, हॉट लिस्ट पे सबसे पहले देखिए कंपनी ने भी ये बनाया क्या बनाया कि सबसे पहले आप हॉट लिस्ट बनाइए, और हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हॉट लिस्ट को आउट करते हैं। परिवार वालों के पास तो जाऊंगा ही नहीं, उनके पास तो जाऊंगा ही नहीं, उनसे तो बात करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो खराब, मेरे को तो आगे बढ़ने मेरे टांग खींचते हैं। नहीं सर, यहाँ पे अपने को उनकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने में तो वो हमारा व्यवधान ही नहीं कर रहे, हमसे कोई दिक्कत ही नहीं कर रहे, है ना। तो हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है। किसकी? अपने परिवार वालों की, जो जानकार है परिवार में। सबसे पहले परिवार, फैमिली जो होती है, उसके बाद में रिलेशन वाले, उसके बाद में जानकार, उसके बाद में दोस्त, इनको बनाइए। वार्म लिस्ट में आते हैं हमारे दोस्त आते हैं, और थोड़े दूर का मतलब होता है ऐसे लोग जो हमारे अननोन होते हैं, अनजान होते हैं, उनको उनको हम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है ऑलवेज एड योर लिस्ट, किसमें? मैन, यानी हमेशा अपनी जो लिस्ट होती है। अब लिस्ट बनाने का भी इम्पोर्टेंट, लेकिन हम लिस्ट बनाते हैं उठ के कल से स्टार्ट कर दिया सब, लेकिन उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ऑलवेज एड योर लिस्ट मैन। मैन जो आदमी है, यानी मैन से तीन शब्द निकल रहे हैं यहाँ पे, मनी, अथॉरिटी एंड निडी। तीन लोगों की लिस्ट बनाइए, और इस पे हम वर्क अच्छे से इसलिए नहीं कर पाते कि हमें नॉलेज नहीं होती है इस चीज की। कैसे? सबसे पहले आती है मनी। मनी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 10 से 20 हजार रुपए महीने के कमाता हो, उस व्यक्ति को लिस्ट में शामिल करें। उसके बाद में आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है जैसे मान लो आपने 15 साल के बच्चे को प्लान दिया और वो बहुत एक्साइटेड हो गया, 18 साल के को प्लान दिया, या जो व्यक्ति कमाता नहीं है उसको प्लान दिया और वो एक्साइटेड हो गया, लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी आपके सामने कि मैं कल पापा से पूछ के फिर आपको जवाब देता हूँ, तो आपकी जो मेहनत है सर वो बेकार हो जाएगी। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी का मतलब तो सेल्फ डिसीजन ले सके व्यक्ति, हाँ जी डन सर, ये लो पेमेंट और ये मेरी आईडी प्रिंट करवा दो आप। तो ऐसे व्यक्ति को हमें लिस्ट में लेना है। हम लिस्ट बना देते हैं ऐसे व्यक्ति की जो होते नहीं है जानकार, मतलब उसमें पैसा नहीं है उनके पास में, अपना डिसीजन खुद नहीं कर सकते, और हमारी जो मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है, और हम फिर डेमोलाइज हो जाते हैं। एंड फाइनली निडी। निडी का मतलब होता है आवश्यकता वाला व्यक्ति। अगर कोई आवश्यकता वाला व्यक्ति होता है, अगर हम उसकी उसको भी लिस्ट में शामिल करेंगे तो 100% हमको उसमें भी सफलता मिलेगी। बात करते हैं आगे, हमें मेमोरी जॉगर होना चाहिए। लिस्ट शुड बी ऑन पेपर। आपकी लिस्ट क्या होनी चाहिए? पेपर पे होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, लिस्ट माइंड में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं। मोबाइल में हजारों कॉन्टेक्ट होते हैं सभी के, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं, आप सभी को पता है। तो लिस्ट कहाँ होनी चाहिए? आपकी 10 लोगों की लिस्ट हो, लेकिन आपकी एक डायरी होनी चाहिए, उस डायरी में मेंशन होनी चाहिए। अगर वो मेंशन होंगे तो 100% आप जब कभी भी जाए देखेंगे कि जैसे मान लो आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां के 2 लोगों के नाम है, अब मान लो आपके मोबाइल में तो वो उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन आपकी डायरी में तुरंत आप देखेंगे अगर यार 2 व्यक्ति मेरे यहाँ रहते हैं, मैं तुरंत उनसे वहां पे मिल सकता हूँ। एंड कहता है फाइनल लिस्ट ऑन योर पॉकेट डायरी। एक पॉकेट डायरी होनी चाहिए छोटी छोटी, जो अपने जेब में एनी टाइम रहे। उसमें आपकी फाइनल लिस्ट होगी, मुझे इन लोगों से तो इस वीक में कनेक्ट करना ही करना है, मुझे 10 लोगों की लिस्ट है। फाइनल लिस्ट बना के जैसी पूरी लिस्ट अपडेट कर ले आप, अपडेट में से 10 लोग ऐसे निकाल लेंगे मुझे इस वीक में इन 10 से मिलना ही मिलना है। वो एक डायरी में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपके साथ में एनी टाइम रहनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है इसमें, देखिए लिस्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं। लिस्ट जब बनाएंगे आप तो लिस्ट का एक तरीका होता है बनाने का, क्या तरीका है देखिए। लिस्ट ऑलवेज ऑन योर पॉकेट डायरी। अब लिस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट बनाइए 100 लोगों की। 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं आप? अब 100 लोग एक साथ तो नहीं आएंगे, ये कई बार हमको बताया गया लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। कैसे? 25 पीपल्स फोन बुक। आपकी जो फोन बुक है उसमें से 25 लोग सिलेक्ट करिए, बाकी को छोड़ दो। सिर्फ 25 लोग ऐसे लोग जो आपको मैंने बताया था मैन, अथॉरिटी और निडी, ऐसे व्यक्ति उनको आप उठाइए उसमें से, उनकी लिस्ट बना लें। आफ्टर दैट 25 पीपल मैरिज कार्ड या विजिटिंग कार्ड। कई बार हमारे पास विजिटिंग कार्ड भी होते हैं और मैरिज कार्ड भी हमारे पास में आते हैं, तो उनमें से ऐसे 25 लोगों को सिलेक्ट करिए जो इस कैटेगरी में आते हैं, मैन की कैटेगरी में आते हैं। एट लास्ट है 25 पीपल फोटो एल्बम, यानी हमारी शादी ब्याह के एल्बम होते हैं या वीडियोज होते हैं, उनमें से भी आप 25 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। एंड एट लास्ट है 25 पीपल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारे बहुत होते हैं लेकिन काम के कुछ कुछ ही होते हैं, तो आप जो मेन कैटेगरी में जो आते हैं उनके आप 25 करके, ऐसे 25-25 करके आप 4 कैटेगरी में करके हमारे 100 लोगों